warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to WebTech Academy. WebTech Academy में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद है आपका HTML का सफर बड़े अच्छे तरीके से जा रहा होगा। आप हर लेक्चर की खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने तौर पर मुख्तलिफ वेब पेजेस बनाकर देख रहे होंगे, उसमें मुख्तलिफ स्टाइलिंग कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं और आपकी मुश्किल को आसान कर सकूं। आज का हमारा वेब डेवलपमेंट फ्री कोर्स जहां पे आप HTML डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ बात करेंगे लेक्चर नंबर 16 की, जिसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह हम अपने वेब पेज की लेआउट देते हैं। हमने लेआउट के मुख्तलिफ टैग पढ़े थे, हमने हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर, ये सारे टैग हमने पढ़े, फिर हमने उनकी प्रैक्टिस की। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने इन टैग की प्रैक्टिस करके वेब पेज बना के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी उससे मोटिवेट हों और वो भी इसकी प्रैक्टिस करें। तो लेक्चर नंबर 17 में आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बहुत अहम टॉपिक है और वेब डेवलपमेंट में एक अहम माना जाता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन HTML। जी हाँ, रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, HTML के जरिए इसको कैसे अचीव किया जाता है, इसकी आज की मार्केट में डिमांड क्या है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फिर हम एक वेब पेज बनाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। बल्कि हम जो कल हमने लास्ट लेक्चर में वेब पेज बनाया था, हम उसी की में रिस्पॉन्सिव टैग्स ऐड करके उसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे। जी हाँ, तो रिस्पॉन्सिव, सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिव वर्ड को समझना है। रिस्पॉन्स से ये वर्ड है रिस्पॉन्सिव, इसका HTML में इस्तेमाल ये है कि आज के इस दौर में जहाँ एंड्रॉयड फोन और स्मार्टफोन का दौर है, वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को जब एक लैपटॉप में देखते हैं तो हमें एक डिफरेंट किस्म का व्यू नज़र आता है। अगर वही वेबसाइट हम अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में या किसी बड़ी स्क्रीन पे देखें तो उसका व्यू ब्रेक हो जाता है। बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स जो आपने देखी होंगी, वो जैसे ही डिवाइस चेंज होती है वो डिवाइस के हिसाब से अपना लुक बना लेती हैं। यही चीज रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यही है कि जैसे आपकी वेबसाइट किसी भी डिवाइस में ओपन की जाए, उस डिवाइस के हिसाब से आपको व्यू दिखाए। तो उम्मीद है आपको रिस्पॉन्सिवनेस की समझ आई होगी। तो आगे चल के हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। मेटा टैग। हम रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए जिस चीज का सहारा लेते हैं वो है मेटा टैग। सबसे पहले मेटा टैग को डिस्कस कर लिया जाए। मेटा क्या है एक्चुअली? अगर हम मेटा को बारे में डिस्कस करें तो मेटा असल में होता है डेटा अबाउट द डेटा। अगर हम फर्ज करें कि हमने एक एक्सेल शीट में एक टेबल बनाया है जिसकी 3 रो और 4 कॉलम है, तो ये इंफॉर्मेशन के इस टेबल की 3 रो और 4 कॉलम्स हैं, ये मेटा है, डेटा है टेबल के बारे में। टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। फर्ज करो ये हमारा टेबल एम्प्लॉयज का टेबल है, उसमें एम्प्लॉयज का डेटा है, 4 कॉलम में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, ये डिफरेंट चीजें हैं, और रोज में हर एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है। तो उसके अंदर जो डेटा है वो तो एक्चुअली हमारा एम्प्लॉयज का डेटा है, लेकिन उस टेबल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं मेटा डेटा। यानी कि 3 रो और 4 कॉलम जो कि टेबल की इंफॉर्मेशन है,
वो मेटा डाटा है। इसी तरह अगर हम अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन ब्राउजर को दे रहे हैं, हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये हमारे पेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, हमारा पेज ये काम करेगा, हमारे पेज को इस तरह कर दो, या हमारे पेज में ये खसूसियात हैं, वो हम ब्राउजर को बताएंगे मेटा टैग के जरिए। मुख्तलिफ किस्म के मेटा टैग हैं, हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज हम जो मेटा टैग का जिक्र करेंगे वो स्पेसिफिकली व्यू पोर्ट के बारे में है, और जो कि रिस्पॉन्सिवनेस हमें हमारे वेब पेज में देता है। जी हाँ, इस मेटा टैग का सिंटैक्स क्या है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले हम एंगल ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मेटा का वर्ड लिखते हैं जिससे हमें बता रहे हैं, कोई भी मेटा टैग लिखेंगे तो हम पहले मेटा का वर्ड लिखेंगे, फिर हम बताएंगे इस मेटा का नाम क्या है। हमने देखा कि नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, यानी कि व्यू पोर्ट हमारा नेम है इसका, और उसमें कंटेंट क्या है कि हमारे इस वेब पेज का जो कंटेंट है उसकी विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी कि किसी भी डिवाइस में जाए तो इसकी विड्थ उसकी डिवाइस की विड्थ के मुताबिक हो जाए। फिर जो अगला आर्गुमेंट हमने दिया है वो है इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0, यानी कि जब ये वेब पेज शुरू हो किसी भी डिवाइस पे तो इनिशियल स्केल इसका 1.0 से शुरू होना चाहिए, बाद में किसी भी डिवाइस में जाके उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये सिंटैक्स है हमारे मेटा टैग का, जो कि हमारी वेब पेज में रिस्पॉन्सिवनेस को दिखाता है। मीडिया क्वेरी, ये दूसरा टैग है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ चीजों को मेंशन करते हैं। हम एक स्पेसिफाइड विड्थ के मुताबिक के बाद कुछ चीजों को अपने तौर पे न्यू स्टाइल करना चाहते हैं, तो हम इसके जरिए अपने वेब पेज को स्टाइल करेंगे और ब्राउजर को ये बताएंगे कि ये जो जो चीजें हम उसमें मेंशन करेंगे कि इन चीजों को इतनी विड्थ के बाद ये आने वाले स्टाइल्स कर दो। वो हम जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तो उसको ज्यादा आपकी समझ आएगी। जी हाँ, अभी आपकी स्क्रीन पर एक पेज नजर आएगा जो कि नॉर्मली लैपटॉप पे नजर आता है। एक हमारा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू का सेक्शन, हमारे सपोज करें ये एक वेब पेज है जिसका लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू का सेक्शन है, दरमियान में उसका मेन एरिया है जिसमें कोई भी मेन कंटेंट हमारा शो हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे एक और छोटा कॉलम है जो कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमने दी है। फर्ज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, लेफ्ट हैंड साइड पे मुख्तलिफ ब्लॉग्स के लिंक्स हैं कि हम किसी भी ब्लॉग्स पे क्लिक करके उस ब्लॉग पे जा सकते हैं। मेन एरिया में आपको वो ब्लॉग नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे ऑथर की इंफॉर्मेशन है। फर्ज करो ये वेब पेज हमारे लैपटॉप में ऐसे नजर आता है। अगर हम अपनी इसी वेबसाइट को आप ये समझ लें कि ये हमारी डीजी बैठक की वेबसाइट है जो कि ब्लॉगिंग साइट है, उसमें हमने लैपटॉप को ओपन किया तो ये हमें व्यू दे रहा है। अगर हम इसी साइट को अपने मोबाइल में ओपन करें तो उसमें हमने मेटा टैग यूज करते हुए और मीडिया क्वेरीज के साथ अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, तो हमें वो लैपटॉप पे किस तरह नजर आएगा चल के देखते हैं। जी हाँ, जो मेन्यू का टैग हमारा कॉलम होगा वो हमें इस तरह टॉप पर नजर आएगा, और दरमियान में हमें मेन एरिया नजर आएगा, और लास्ट में हमें राइट का जो ऑथर सेक्शन है वो नजर आएगा। तो ये व्यू किस चीज का है, ये हमारे मोबाइल का व्यू है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि जैसे ही हमने लैपटॉप से मोबाइल की स्क्रीन पे व्यू किया, हमने विड्थ में स्पेसिफाई कर दिया था कि इन सेक्शन को जैसे ही विड्थ स्क्रीन की कम हो, किसी भी डिवाइस कम विड्थ वाली डिवाइस पे ये वेबसाइट ओपन हो, तो इसको इस तरह वर्टिकल अंदाज में बॉक्सेस की लेआउट कर देनी है। हमने बॉक्सेस डिफाइन किए, फिर उनकी लेआउट डिफाइन की, हमने एक विड्थ बता दी कि इस विड्थ पे जाके इसको इस अंदाज से मेंटेन कर दो, या हमारे बॉक्सेस को उस पे बिल्कुल विड्थ 100% कर दो। ये हम प्रैक्टिकल सेशन में और क्लियरली देखेंगे। हम अब मीडिया क्वेरी जो हमने देखा उसका सिंटैक्स देखेंगे। पीछे हमने जो सिंटैक्स देखा था वो मेटा टैग का सिंटैक्स था, अभी हम मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स देखेंगे कि किस तरह हम बताते हैं ब्राउजर को कि विड्थ कितनी हो तो
क्या एक्शन करना है। सबसे हम पहले कहते हैं कि एड मीडिया स्क्रीन एंड, और फिर हम पेरेंथेसिस के अंदर मैक्स विड्थ बताते हैं कि मीडिया स्क्रीन और जो कुछ भी हम इसमें मेंशन करेंगे उसकी जब भी मैक्सिमम विड्थ 260 तक पहुंचे तो हमने ये काम करना है कि जो भी चीज यहाँ पे मेंशन होगी उसकी विड्थ 100% कर दी जाए। यहाँ पे हम मुख्तलिफ टैग दे सकते हैं जो कि एक नई कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं अपने ब्राउजर को कि जब 260 पिक्सल की स्क्रीन हो या इससे छोटी हो तो जो जो यहाँ पे हम चीजें मेंशन करेंगे उसकी विड्थ 100% कर दी जाए। आपको प्रैक्टिकल क्लास में इस चीज की ज्यादा समझ आएगी। भैया जो पेज आपको नजर आ रहा है ये हमने पिछले लेक्चर में लेआउट के सेक्शन में हमने पढ़ा था, हमने पेज बनाया था। अगर हम इसका अभी इंस्पेक्ट करके तो इसका भी ये व्यू देखें तो ये जो व्यू है ये रिस्पॉन्सिव है। इसको हमने किस तरह अचीव करना है आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। रिस्पॉन्सिव के लिए हमने जो टैग पढ़े हैं, एक हमने मेटा टैग पढ़ा है और दूसरा हमने मीडिया के क्वेरी के जरिए डिवाइस विड्थ सेट करनी पड़ी है। तो हम अपनी उसी फाइल में हमने लास्ट लेक्चर में तैयार की थी, इसमें एक तो हम मेटा टैग देंगे। मेटा टैग का हमने नेम पढ़ा था तो हमने इसको नेम देना है व्यू पोर्ट। और फिर अगली चीज जो हम देखनी है वो कंटेंट है। कंटेंट में हमने इसकी विड्थ सेट करनी है। तो हमें पता है कि हम विड्थ चाहते हैं कि डिवाइस की विड्थ के बराबर हो और लास्ट चीज जो हमने पढ़ी थी कॉमा सेपरेटेड इनिशियल स्केल, वो हमने पढ़ा था कि 1.0 हो। हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे और साथ ही हम अपनी मीडिया क्वेरी भी ऐड करेंगे। मीडिया क्वेरी जैसा कि हमने थ्योरी के सेक्शन में पढ़ी थी कि ऐड का सिंबल देंगे फिर मीडिया और ओनली स्क्रीन्स एंड यहाँ पे हमने विड्थ सेट करनी है जितनी मैक्सिमम विड्थ पे हम इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम 620 पिक्सल पे ये ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब हमने ये मेंशन करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्रेकडाउन हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा सेक्शन ब्रेकडाउन हो, फिर हम चाहते हैं सेक्शन के बाद आर्टिकल और असाइड, ये तीनों हमारे बॉक्सेस जो हमने बनाए थे हम उनकी विड्थ 100% कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन देंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब आपकी ये वेबसाइट 620 पिक्सल वाले डिवाइस पे ओपन होगी या उससे कम। तो इस तरह का जो यहाँ पे आप विड्थ 100% की जगह जो भी कोड देंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको बॉर्डर लगा दो, हम कोई भी यहाँ पे स्टाइल देंगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम अपने पेज को सेव करते हैं और इंस्पेक्ट करके अब हम देखेंगे कि जब आपने यहाँ पे विड्थ पे नजर रखनी है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि हम सक्सेस पे देखें तो ये तीनों बॉक्स 100% की विड्थ पे हो गए। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव पे देखें तो अभी ये 700 पे वो बॉक्स ब्रेकआउट नहीं हो रहे, जैसे ही हम 620 का क्रॉस करते हैं तो वो बॉक्सेस हमारे पास वर्टिकल अंदाज में आ जाते हैं। तो ये वो रिस्पॉन्सिवनेस है, जैसे ही ये विड्थ जो हमने मेंशन की थी हम इसकी विड्थ को चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि हमें 620 पे नहीं, हमें
520 पे इसको ब्रेकआउट करना है। अब हम सेव करके रिफ्रेश जब करेंगे, जैसे ही हम अब आपने विड्थ देखनी है 6, 7, 6, 20, 589, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्यों? हमने 520 मेंशन कर दिया। जैसे ही 520 से नीचे गया वैसे ही हमारा व्यू ब्रेक हो गया। अब ये देखें 520 पे वही व्यू आ गया जो हमने चाहा था। तो इस तरह हम मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। विड्थ हमने 100% की, इसको रिस्पॉन्सिव बनाया कि हमारे फर्ज करो वेब पेज पे मुख्तलिफ चीजें हैं, जब हम चाहते हैं कि जैसे ही मोबाइल में आए वो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल में आए, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप में या पीसी में स्क्रीन वर्टिकल ज्यादा होती है, लेकिन मोबाइल में हम हॉरिजॉन्टल ज्यादा होती है, मोबाइल में हम ज्यादा वर्टिकल काम कर रहे होते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जैसे ही एक मोबाइल की डिवाइस की स्क्रीन आए तो हमारा जो भी वेब पेज है वो वर्टिकल अंदाज में शो होना शुरू हो जाए। तो इससे आपका पेज मुख्तलिफ डिवाइसों में जाके कंपेटिबल रहता है और वो ब्रेकआउट नहीं होता, और रीडर को आपके पेज को देखने में आसानी रहती है। तो इस तरह आपकी वेबसाइट पे जो यूजर एक बार आएगा वो मुख्तलिफ डिवाइसों से लॉगिन करके अगर उसको अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो फिर वो आपकी वेबसाइट पे बार बार आना पसंद करेगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में बात की है, आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस में कोई इशू आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए।